आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ऑडियो क्वालिटी को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, अगर उसमें नॉइज़ है तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ दोस्तों हम लोग एआई टूल की मदद से करेंगे। और इस एआई टूल को यूज करने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको ऑडियो एडिटिंग नहीं आती है, आपको ऑडासिटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों आप इस एआई टूल का यूज करके आप अपनी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे करना है, कैसे होगा, सब कुछ दोस्तों आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल एक्टर मित्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको OBS से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेनी है, ठीक है। अगर आप OBS से रिकॉर्ड करते हैं तो आप OBS से पहले अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, या आप अगर कोई दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करते हैं तो उससे आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। जब आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों जब आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उस वीडियो में से ऑडियो फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है, यानी कि उस वीडियो फाइल में से सिर्फ ऑडियो ऑडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि हम वीडियो से ऑडियो को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आइए पहले वो चीज़ें सीख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो फाइल से ऑडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ वो है कैप कट, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मैं कैप कट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों कैप कट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, इसे कोई भी यूज कर सकता है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों मैं ऑडियो एक्सपोर्ट करने के लिए कैप कट का यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो प्रॉप ब्लॉगर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए आपके पास जो भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से दोस्तों आप अपने वीडियो से ऑडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है आइए जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग उस फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में हमारा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो रिकॉर्ड होता है, यानी कि दोस्तों जब हम लोग OBS से अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो कहाँ पे सेव होता है, वीडियो फोल्डर में सेव होता है, ठीक है। तो हम लोग वीडियो फोल्डर में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे ओपन कर दूँगा। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसे एडिट कर लेना है, ठीक है। जो भी एडिटिंग वगैरह करना होगा आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से कट लगाना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कट लगा दूंगा, ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए तो इसे सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जहाँ भी कट लगाना है, जहाँ पे जो भी चीज़ें करनी है, आप इस तरह से चीज़ों को कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अपनी वीडियो को एडिट कर लेंगे। जब दोस्तों आपका वीडियो एडिटिंग का काम हो जाएगा, जब आपका वीडियो एडिट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे मेन्यू बार में जाना है। मेन्यू बार के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आएगा, फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट, आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ डिटेल फिल कर देना है, यानी कि इस वीडियो का टाइटल क्या रहेगा वो सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। इसे आप किस फोल्डर में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस फोल्डर का आप यहाँ से पाथ दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं म्यूजिक फोल्डर में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो यहां से मैं म्यूजिक फोल्डर सेलेक्ट कर लूंगा और यहां से सेलेक्ट फोल्डर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे वीडियो का रेजुलेशन वगैरह सेलेक्ट कर दूंगा। अगर मुझे वीडियो एक्सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑडियो एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि मुझे उस ऑडियो को एडिट करना है, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ हमें क्या करना है, पहले वीडियो एक्सपोर्ट नहीं करनी है, पहले पहल हमें क्या करना है, सिर्फ ऑडियो ऑडियो को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। पहले दोस्तों हमें वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं करना है, पहले हमें क्या करना है, यहाँ से चेक टिक हटा करके यहाँ से ऑडियो पे चेक टिक लगा देनी है, ठीक है। इस पे चेक टिक लगाने का मतलब ये है कि हम सिर्फ अभी जो है ऑडियो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अभी जो हमारा फाइल रेडी होगा तो वो हमारा सिर्फ ऑडियो फाइल होगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग जो है ऑडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे, यानी कि हमारा जो है इस वीडियो से जो भी हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो भी चीज़ें हमने एडिट किया है, इससे हमारा ऑडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। या तो आप यहाँ से इसे ओके कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप इसे मिनिमाइज़ कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप म्यूजिक फोल्डर में आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है वो वाला ऑडियो मिल जाएगा। अब जब इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, जब हमारे पास ऑडियो फाइल आ जाती है, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस ऑडियो को एडिट करना है। ठीक है, अब हमें अगर इस ऑडियो को एडिट करना होगा तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया कि आप ऑडासिटी का यूज करके आप इस ऑडियो को एडिट कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपको ऑडासिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको ऑडासिटी से ऑडियो को एडिट करने का मतलब उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप AI टूल का यूज करेंगे और उस AI टूल के जरिए जो है आप इस ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। तो वो कौन सा AI टूल है और किस तरह से हम इस ऑडियो फाइल को एडिट कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से दोस्तों हमारे सामने गूगल ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ दोस्तों हमें टाइप करना है Adobe Podcast और उसके बाद एंटर कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप गूगल में Adobe Podcast लिख करके सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपको ऊपर में मिल जाएगा, जिसका नाम होगा Adobe Podcast AI ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग। ठीक है, तो ये आपको वेबसाइट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। देखिए जिस वेबसाइट पे मैं आया हूँ, इस वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जब दोस्तों आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन कर लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। बस इतना ही दोस्तों आपको करना है और इतना करते ही दोस्तों आप यहां पे लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इस वेबसाइट में सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, एक रिक्वेस्ट डालना है कि मुझे ऑडियो एडिट करना है। उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट डालनी होगी, तो यहां पे दोस्तों लिखा हुआ है रिक्वेस्ट एक्सेस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप रिक्वेस्ट एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, अपना डिटेल फिल कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें जो भी डिटेल मांग रहा है वो सारी चीज़ें आप इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये कह रहा है कि इनहेंस स्पीच, यानी कि आपकी ऑडियो बहुत ख़राब रिकॉर्ड हुई है, उसे आप इनहेंस करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेना है और इसे दोस्तों आपको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑडियो को एडिट करना है। ठीक है, अब चाहे तो दोस्तों इस वेबसाइट को यहाँ पे बुक मार्क करके भी रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मोर टूल, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट शॉर्टकट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे चेक टिक लगा करके आप क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये करने से क्या होगा कि ये इस तरह से न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। इसे मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ और इस चीज़ को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये चीज़ें जो है, यानी कि हमारा जो ऑडियो एडिटिंग वाली जो वेबसाइट है वो यहाँ पे शॉर्टकट बन करके आ जाएगा और इसे चाहें तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे टास्क बार पे पिन करवा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए जब कभी भी हम लोग फ्यूचर में अपने ऑडियो को एडिट करना चाहेंगे तो अब हमें क्या करना होगा, बस इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यानी कि ये इंटरफेस ओपन होने का मतलब ये है कि बार बार हमें जो है लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, बार बार हमें जो है फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। बस हमें क्या करना होगा, ये चीज़ें ओपन कर लेनी होगी और उसके बाद दोस्तों इसे हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे, यानी कि इसकी स्क्रीन साइज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जिस ऑडियो को एडिट करना है, ठीक है, आपका जो भी ऑडियो है उस ऑडियो को आप क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये हमारा जो है ऑडियो है, ये दोस्तों हमारा ऑडियो है जिसे मुझे एडिट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस ऑडियो को यहाँ से पकड़ करके यहाँ पे रख दूंगा। इस तरह से दोस्तों हमें क्या करना है, ऑडियो को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, यानी कि वहाँ से ला करके यहाँ पे छोड़ देना है और उसके बाद दोस्तों ये प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑडियो एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे टाइम बता देगा कि आपको कितनी देर वेट करनी पड़ेगी, तो दोस्तों हमें 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। 10 मिनट के बाद दोस्तों ये हमारा ऑडियो जो है एडिट होकर के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुका है।
यानी कि दोस्तों अब मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के समय हमारा जो ऑडियो क्वालिटी था वो कैसा था और एडिटिंग के बाद हमारा ऑडियो क्वालिटी किस तरह का हो गया है। तो चलिए दोस्तों इस ऑडियो को हम लोग सुनते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे फिट टू स्क्रीन कर देंगे कुछ इस तरह से, और देन दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट मिलेगा, आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा जादू करता हूँ, यानी कि दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे एनेबल कर देना है, और उसके बाद दोस्तों आप इसे सुन करके देख सकते हैं कि अब जो हमारी ऑडियो क्वालिटी है वो किस तरह की हो गई है। और देन दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी में ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ टूल पे क्लिक कर लेना है, यानी कि यहाँ से दोस्तों आपको पेन सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ऑडियो क्वालिटी जो हमारा इन्हेंस हो जाता है, हमारे जो ऑडियो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है। जब दोस्तों ये सारी चीज़ें हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही दोस्तों आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो जो है आपके लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इसे जहाँ भी सेव करना चाहें आप उस फोल्डर में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बिफोर ऑडियो है, यानी कि रिकॉर्डिंग के टाइम का ऑडियो है, और ये हमारा एडिट किया हुआ ऑडियो है। इसे दोस्तों मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसे मैं कर दूँगा क्लोज। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आऊँगा। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं ऑडियो ऑप्शन में जाऊँगा, और यहाँ से दोस्तों इसकी वैल्यूम को कर दूँगा 0, यानी कि इसमें पहले से जो ऑडियो है इसे मैं म्यूट कर दूँगा। या तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इस ऑडियो को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि इस वीडियो से अलग कर सकते हैं, और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, इस ऑडियो फाइल को यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इससे ये ऑडियो निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, एडिट किया हुआ ऑडियो यहाँ पे इसमें ऐड कर देना है। उसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, एडिट किया हुआ ऑडियो जिस फोल्डर में है उस फोल्डर में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप एडिट किया हुआ ऑडियो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसे इंपोर्ट करा देंगे, और उसके बाद दोस्तों आप इस ऑडियो को पकड़ के इस टाइमलाइन में ला करके रख देंगे, यानी कि इस वीडियो के लेवल में ला करके छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों अब आपका ये जो है वीडियो एडिटिंग कम्प्लीट हो गया है। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे, और देन दोस्तों आप यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अभी दोस्तों हमने जो एक्सपोर्ट किया था वो सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट किया था। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये दोनों चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, इसलिए यहाँ पे मैं चेक टिक लगा दूंगा, यानी कि मुझे वीडियो भी चाहिए और वीडियो में जो ऑडियो है वो भी हमें चाहिए। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ से दोनों के ऊपर चेक टिक लगा देनी है, और उसके बाद दोस्तों हम इसका कुछ भी नाम दे देंगे, तो ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर देंगे, और उसके बाद दोस्तों एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब दोस्तों हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे, उसके बाद दोस्तों हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा उसमें वीडियो क्वालिटी के साथ साथ दोस्तों ऑडियो क्वालिटी भी आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों एडटेक मित्रा चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।